हेलो एवरीवन, मैं हूँ चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा एक फेशियल लेकर आई हूँ, जो कि है राइस वाटर के साथ में हम फेशियल करने वाले हैं। और राइस वाटर मैंने बनाया कैसे है, इसकी वीडियो जस्ट इससे पहले आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वाटर, राइस वाटर की वीडियो मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर उसे देख लीजिएगा मैंने कैसे बनाया है। एंड ये वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छा घर बैठे अमेजिंग सा फेशियल आपको मिलने वाला है, आपकी स्किन काफ़ी ब्राइट होगी एंड फेयर होगी एंड ग्लोई बनेगी। तो हम स्टेप, अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लिनजिंग से। तो हमने राइस वाटर को ले लिया है एंड आपको राइस वाटर ले लेना है, इसको 2 से 3 चम्मच ले लीजिए, जितना आपको अपने फेस के लिए चाहिए होगा, फेस एंड नेक के लिए, है ना। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिए हैं राइस वाटर। एंड अब आपको क्या करना है, एक कॉटन पैड लेनी है, इस तरह से इसको पूरा इसमें डिप कर दीजिए और इससे आपको अपने पूरे फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है, यानी क्लिनजिंग करनी है। तो फेस को क्लीन करने के लिए आप बस इस तरह से फेस पर पूरा रब करते रहिए और फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे आपकी कॉटन पैड पूरी ब्लैक हो गई है और आपके फेस पे से काफ़ी हद तक जो टैनिंग है या और भी जो आपकी ब्लैकनेस आ गई है ना, ऊपर से जो लेयर जम जाती है वो सारी निकल जाएगी। तो इसे आप 2 से 3 बार करें और फिर लास्ट में है ना, पूरे फेस पर इसे क्लिनजिंग वाटर लगा कर और छोड़ दीजिए 5 मिनट, फिर वॉश कर लीजिए, है ना। सेकंड स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। तो सेकंड जो स्टेप है वो हम करेंगे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है राइस वाटर और राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा और चावल का पानी। इन दोनों को हमें मिक्स कर लेना है और अच्छा वाला हमें स्क्रब बना लेना है। बहुत ही माइल्ड स्क्रब था ये, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड। तो इसे आप अपने पूरे फेस पर लगा कर और आप 3 से 4 मिनट स्क्रब करिए अच्छे से। ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बहुत ही अच्छे से स्क्रब हुआ है। तो आप लोग इसे अच्छे से जेंटली अपने नेक पर और पूरे फेस पर और नोज़ एरिया पर करें, ताकि ब्लैकहेड्स, व्हाइटनेस सारे निकल जाएं। और बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा जब आप ये पूरा फेशियल कर लोगे ना गाइस, तो सीरियसली आपका फेस इतना ज़्यादा फेयर एंड चमकदार बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्क्रब। थर्ड स्टेप की ओर बढ़ेंगे हम, जो हम करेंगे अपने फेस की मसाज, ठीक है। मसाज करने से आपके फेस को क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और फेस ग्लो बनेगा। तो अब हम ले लेंगे राइस वाटर। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच राइस वाटर ले लिया है, इसमें थोड़े से राइस दिख रहे हैं, कोई नहीं, हम इसमें एलोवेरा जेल डाल देंगे। मतलब आप ये मान लो आधा चम्मच डाल लो और एक से दो चम्मच आप पानी, ये राइस जो वाटर है ना, ये डाल ली, दोनों को बहुत अच्छा मिक्स करेंगे तो आपको एक जेंटली क्रीम फॉर्म मिल जाएगा। इसे आप अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लीजिए और इससे गाइस बहुत ही अच्छी वाली, बहुत ही शानदार मसाज हुई थी, बहुत मज़ा आ गया था मुझे इसे मसाज करके। आप इसे कम से कम 10 मिनट मसाज करिए। और ये जो मैं आपको फेशियल बता रही हूँ ना, ये घर में सब लोग कर सकते हैं, मतलब बच्चे से लेके कोई भी एज का हो, जेंट्स लोग हैं सबके कर लीजिए, आप लोग अपने हस्बैंड के भी कर दीजिएगा, उनका भी फेस चमक जाएगा, सच बता रही हूँ। बहुत शानदार फेशियल हुआ है ये, तो इसे आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड इससे जस्ट पहले की वीडियो देख लेना, अगर नहीं देखी है तो, वो मैंने आपको टोनर बनाना बताया, राइस वाटर का टोनर कैसे बनाते हैं स्किन के लिए और अपने हेयर के लिए, दोनों के लिए टोनर बताया मैंने, बहुत अमेजिंग टोनर है, बहुत अच्छा वर्क करने वाला है, वो वीडियो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड स्क्रीन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी, सब जगह मिल जाएंगे आपको लिंक, है ना। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने मसाज कर ली है, इससे बहुत ही शानदार आप देख सकते हैं। अगर आपको सीखना है कि मसाज के क्या स्टेप होते हैं, तो उसकी भी अलग से वीडियो है, उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारी मसाज कंप्लीट हो गई, 10 मिनट मैंने कर ली है, एंड फेस को वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से। अब लास्ट स्टेप आ जाता है हमारा फेस पैक, बट उससे पहले आप मेरा फेस देखिए कितना ज़्यादा, मतलब क्लीन एंड क्लियर हो गया है। आप सबसे चीज़ अच्छी ये देखो कि क्लियर कितना दिख रहा है, फेस हमारा क्लियर होना चाहिए, है ना, उससे हमारी स्किन बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है, अब हम फोर्थ स्टेप की ओर बढ़ते हैं और फेस मास्क बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, बिकॉज समर आ गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, है ना। तो मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को बहुत अच्छे से सूथिंग इफेक्ट देती है और स्किन में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स को दूर करती है, जो एक्सेस ऑयल आता है उसे भी कम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर ले लिया है एंड उसमें मैंने 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डाल दी है और मैं ले रही हूँ यहाँ पर ऑरेंज पील पाउडर, बिकॉज ऑरेंज हमारे स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ले लिया है
ऑरेंज पील पाउडर, ये विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी स्किन को ब्राइट करता है, वाइट करता है एंड स्किन को ग्लोइंग बनाता है, स्किन के सारे दाग धब्बों को दूर करता है। मतलब बहुत सारे गुण हैं यार, मैं आपको क्या बताऊँ, सच्ची बता रही हूँ। जितने भी मैं आपको इन्ग्रीडियंट बताती हूँ ना, इसमें भरपूर मात्रा में मतलब नेचुरल इतने इन्ग्रीडियंट अच्छे होते हैं ना कि मतलब मार्केट के तो होते ही हैं बट ये वाले तो यार अमेजिंग ही वर्क करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है बट काम बहुत अच्छे करते हैं ये। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से दोनों को मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा आप पानी और ले लें, मतलब राइस वाटर, और अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लें जो कि हमें अपने फेस पर जैसा पेस्ट चाहिए होता है ना वैसा। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड करती रही मैं और मैंने इसे अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और मज़ा आ गया मुझे ये फेशियल करके गाइस, सच्ची में। और आपके साथ जब मैं शेयर करती हूँ ना तब तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है, और जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तब तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ और मुझे लगता है यार मेरी मेहनत सफल हो गई। मतलब मैंने जो चीज़ आपको बताई है वो बहुत ही अच्छे से, और काफ़ी लोग इसे यूज़ भी करते हैं और वापस मुझे कमेंट करते हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये चीज़ आपको भी ऐसे ही वर्क की है। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्रश की हेल्प से इसे पूरा अच्छे से पूरे फेस पर लगा लिया है। आप अपने फिंगर से भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो इसे आप अपने नेक पर और पूरे फेस पर लगाकर छोड़ दीजिए, इसे मतलब हाफ ड्राई होने दीजिए। हाफ ड्राई होने में कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। हाफ ड्राई होने के बाद में आप पूरे फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड गाइज लिटरली आपका फेस चमक जाएगा, सच्ची बता रही हूँ। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने फेशियल कहाँ से करवाया, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे हो बट आपका फेस इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा एंड नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी होती है और राइस की तो बात अलग ही होती है। अभी देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड मेरा फेस पे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इतना हल्का फेस लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था यार सारी जो भी टैनिंग थी सब कुछ निकल गई है। एंड ये आप देख रहे हैं ये टोनर बनाया है इसी का, राइस वाटर का ये टोनर मैंने स्प्रे किया है एंड उसके बाद में मैं मॉइस्चराइज़र लगाकर अपने इसको पूरा फिनिश कर दिया मैंने और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज़ आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए एक बार कि हाँ वीडियो आपको कैसी लगी है, और आप इसे जब यूज़ करते हैं तब भी बताया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप कमेंट करोगे और वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर पसंद आ गई है तो, और सभी के साथ शेयर कर दो ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी, और आपकी कोई रिक्वेस्ट है ना तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, घर में रहिए, बाय।